इस वीडियो में हम एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन डिराइव करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन होती है dq इक्वल्स जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं du प्लस dw इक्वल्स जीरो। du को हम लिख सकते हैं ncv dt, और dw वर्क डन बाय द सिस्टम ये होगा p into dv। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा ncv dt प्लस pdv इक्वल्स जीरो। अब cv को हम गामा के टर्म्स में लिख सकते हैं, cv इक्वल्स r बाई गामा माइनस वन। तो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन आ जाएगा nr ओवर गामा माइनस वन dt प्लस pdv इक्वल्स जीरो। गामा माइनस वन से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा nr dt प्लस गामा माइनस वन इंटू pdv इक्वल्स जीरो। अब आइडियल गैस कंडीशन अप्लाई करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा हमारा pdv प्लस vdp इक्वल्स nRdt। nRdt की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो नया इक्वेशन हमारा बन जाएगा pdv प्लस vdp प्लस गामा माइनस वन इंटू pdv इक्वल्स जीरो। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन बनेगा हमारा vdp प्लस गामा टाइम्स pdv इक्वल जीरो। पूरे इक्वेशन को अगर हम pv से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगा dp ओवर p प्लस गामा टाइम्स dv ओवर v इक्वल जीरो। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा ln p प्लस गामा टाइम्स ln v इक्वल्स कॉन्स्टेंट। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आएगा हमारा ln pv टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, जिसको हम c से डिनोट कर रहे हैं। एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा pv टू द पावर गामा इक्वल्स e टू द पावर c, विच इज अनदर कांस्टेंट। अब अगर आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल्स nRT को हम यूज करें, इसमें p की वैल्यू पुट कर दें तो ये t और v में एडियाबेटिक इक्वेशन आ जाएगा TV टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स कॉन्स्टेंट। अगर हम यहाँ पर V को इलिमिनेट करें, PV टू द पावर गामा में V की वैल्यू रखें आइडियल गैस इक्वेशन से, तो हमारा इक्वेशन आ जाता है T टू द पावर गामा P टू द पावर वन माइनस गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट। तो एडियाबेटिक इक्वेशन की तीन फॉर्म हो गई। एक तो हो गई PV टू द पावर गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, दूसरी T और V में हो गई TV टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स कॉन्स्टेंट, और तीसरी टी और पी में हो गई टी टू द पावर गामा पी टू द पावर वन माइनस गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट।